क्रिकेट क्लब कोट द्वारा आयोजित गावदेवी ट्रॉफी 2019 नवीद और सलमान प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी, जिनके ऊपर उम्मीद है रन वो बनाए, पूरे नाम टीम की उम्मीद के दिया ये दो जो मैदान के अंदर जा चुके हैं, और दूसरी तरफ उम्मीद का दिया है वैभव दलवी जो इनका विकेट निकाले। तो दोनों तरफ बोलना हमारा काम है क्योंकि हम कमेंटेटर्स हैं। दोनों तरफ आग लगाओ, उस आग के ऊपर एक ऐसी खिचड़ी पकाओ जिसे खाकर दर्शक खुश हो। अब मैच का काउंटडाउन शुरू होगा हमारे नितिन डीजे द्वारा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, लेट्स प्ले। देखिए पहली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट नवीद के लिए, वैभव दलवी सीधा किया था और ये ऑफ स्टंप के शायद ज्यादा बाहर, वाइट बॉल का इशारा हुआ, वाइट बॉल से खाता खुल चुका है नाम ओवे टीम का। स्वरूपा जिस टीम ने टॉस जीता पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, धूप अब खिल चुकी है, ये अच्छे संकेत है मैं कहूंगा जो पहले बल्लेबाजी कर रही है उस टीम के लिए। धूप के खिलने की वजह से गेंद पूरी तरह से नजर आ सकती है क्योंकि सुबह की ओस और उस वक्त जब पिच पे जो नमी होती है उसका फायदा उठाने की मन में ठान ली है। ये लगातार शायद दूसरी वाइट बॉल आ चुकी है, ऑफ स्टंप के बहुत ज़्यादा बाहर, अपनी लाइन को आउटसाइड ऑफ स्टंप रखने की कोशिश की जा रही है और उस कोशिश में थोड़ी सी दिशा से भटके हैं वैभव दलवी। पहला मैनेजरी पावर प्ले का ये ओवर, एक सीधा लॉन्ग ऑफ तो एक सीधा मिड विकेट हम देख रहे हैं। अब डीप एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी को तैनात किया जा चुका है, मिड ऑफ को 38 सर्कल के अंदर बुलाया जा चुका है और मिड विकेट वहीं पर। फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली लेकिन ये लगातार लाइन से भटक रहे हैं। ये तीसरी वाइट बॉल आ चुकी है, 3 रन बगैर नुकसान और एक भी गेंद अभी भी हुई नहीं है। शुरुआत अच्छी होना ज़रूरी है किसी भी टीम के लिए, किसी भी गेंदबाज के लिए जब उनके कप्तान टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी करने का अगर फैसला लेते हैं, लेकिन अच्छी शुरुआत हुई है नाम ओवे की। बगैर गेंद खेले उन्हें 3 रनों का दीपावली के बाद भी बोनस मिल चुका है और ये देखिए बिल्कुल जिस दिशा में खिलाड़ी तैनात किया था, क्योंकि जो पोजीशन थी बल्लेबाज की नवीद की वो कवर्स पे खेलना चाहते थे पहली दो गेंदे, हालांकि वाइट बॉल जरूर थी और ये अच्छे संकेत है। मास्टर माइंड गेम खेलना भी जरूरी है क्योंकि किस तरह बल्लेबाज की पोजीशन है विकेट कीपर भली भांति जानते हैं और उस हिसाब से मिड ऑफ को 38 सर्कल के अंदर बुलाया और नितिन डीजे को मिलता हुआ एक मौका उस कैच की वजह से। आरंभ प्रारंभ अनि करूया शुभारंभ अच्छा दिवसाला। शुक्रिया डीजे, ये हमारे दीपक पाटिल सर की आवाज थी। आजकल छोटी छोटी ऑडियो क्लिप्स काफी मशहूर हो रही है कई कमेंटेटर्स की। तब सलमान स्ट्राइकर एंड पर जा चुके हैं, एक विकेट के नुकसान पर 3 रन, पहली गेंद की समाप्ति हो चुकी है। लाइन पर जब आए वैभव दलवी तो उन्होंने विकेट निकाला नवीद का, अतीक नॉन स्ट्राइकर एंड पर जो नंबर 3 की पोजीशन पर आ चुके हैं फिर से एक बार, और ये अपील की गई विकेट कीपर द्वारा। तो उंगली उठ चुकी अंपायर की, विकेट कीपर कुमार आंगरे ने एक बेहतरीन कैच लपका, स्निकेज था, ये स्निकेज सुनाई नहीं देता अगर हम बोलते तो। जब गेंद डिलीवर होती है एक डिसिप्लिन होता है, बतौर कमेंटेटर गेंद डिलीवर होती है अगर बोलते तुम पता है नहीं बोलना है, वरना ये हमारे ऊपर आता। ये एक्सपीरियंस है जो कुछ बतौर कमेंटेटर हमने कमेंट्री की है और वैभव दलवी हैट्रिक के द्वार पर दस्तक दे रहे हैं। जितना अंपायर्स को हमने देखा है काफ़ी एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, बतौर क्रिकेट का एक्सपीरियंस लेकर वो यहाँ पर अंपायरिंग कर रहे हैं। पहले दिन उन्होंने जो काम किया उस काम के बतौर उन्हें
आज इस प्रतियोगिता का तीसरे दिन भी उन्हें काम मिला है। मैं हमेशा कहता हूं कि आपका काम ही आपकी पहचान होती है। अच्छा काम करो, काम अपने आप मिलता चला जाएगा, क्योंकि साईं बाबा ने हमें एक मंत्र सिखाया है, श्रद्धा और सबूरी। जो भी काम करो श्रद्धा पूर्वक करो, सब्र करो, फल हमेशा मिलेगा। और वैभव दलवी ने सब्र किया, 3 व्हाइट बॉल के बाद हैट्रिक के द्वार पर, और ये अच्छी गेंद थी कलाइयों के सारे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत। छोटे उम्र के हैं, थोड़ी सी टेंशन में आ चुके हैं, क्योंकि वो जानते हैं उनकी ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत। स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं, 2 विकेटों के नुकसान पर बल्ले से पहला रन आ चुका है। इस ओवर ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत। टी-शर्ट दिया जाएगा, लेकिन जिस अंदाज से गेंदबाजी हो रही है आउटसाइड ऑफ स्टंप जो लाइन, ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत। नाम ओवे के बल्लेबाजों को, ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत, क्योंकि पहले ओवर में 10-15 रन ढूंढना माइनेंट्री पावर प्ले के हर खिलाड़ी की जिम्मेदारी। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना क्या मिलेगा दूसरा, और ये अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, दूसरा रन भी पूरा क्योंकि खिलाड़ी के। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत। सुनील मतेके और उस वजह से जब तक वो गेंद, ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत। देखिए 6 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है इस ओवर की। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना। राइट लगाने की कोशिश मिड विकेट पर, एक आसान सा कैच और इस ओवर में रन आए। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल। कहूंगा स्वरूपा पोंजे के लिए, क्योंकि 3 विकेट प्रारंभिक 3 विकेट जाने के बाद। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत। शुक्रिया डीजे। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत। लाख बनते हैं बनकर टूट भी जाते हैं, लेकिन शिरडी वहीं जाते हैं। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल। साईं बाबा का मूल मंत्र आपको बताया और डीजे मास्टर द्वारा साईं बाबा को। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल, तब जाके मजा आता है। लेकिन टाइमिंग पिछले ओवर में साधी, 3 व्हाइट बॉल। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। गेंदबाजी की बागडोर संभालेंगे कैलाश पाठे। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। साजिद स्ट्राइकर एंड पर एक साझेदारी की जरूरत है नाम ओवे टीम को। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत। और उसके बाद आक्रमण तो ये होना चाहिए बड़ा मैच जब आप खेल रहे हैं। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत। जा चुकी है कैलाश पाठे, तैयार है राइट आर्म ओवर द विकेट। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत। विकेट नंबर 4, रन सिर्फ 6। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल। और हमारे ओवे के कमेंटेटर हमेशा कहते हैं कि इरादा करो पक्का। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल। और ऐसे ही छक्कों की जरूरत है नाम ओवे टीम को। और वो जो ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत। मैं तहे दिल से इस्तकबाल करना चाहूंगा गांव देवी ट्रॉफी जो ऑर्गेनाइज। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो लेकिन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल। मैंने साझेदारी की बात की थी, बड़े हिट्स लगाने की जितनी कोशिश होगी पिच में जो और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत। जो होश होती है उस होश का फायदा मिलता है पहले गेंदबाजी करने वाली टीम को। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। हमेशा पहले सत्र में हावी होती हुई नजर आ रही है। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत। दत्ता भोई ने इस गेंद को फील्ड किया, महज सिंगल मिला
और इस सिंगल के साथ टोटल बढ़ता हुआ 7 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रोग्रेस पर है, काफ़ी बेहतरीन डीजे सिस्टम है हमारे डीजे नितिन की, और काफ़ी क्लियरिटी के साथ फॉर्च्यून और GTC जॉइंट इवेंट यूट्यूब के माध्यम से इस क्रिकेट को लाइव दिखा रही है, इस ट्रॉफी को लाइव दिखा रही है। इस लोअर बंती वेरिएशन के तौर पर कैलाश पांडे जिस अंदाज से आए थे, रफ्तार एकदम धीमी हुई, यानी कि शुरुआती गेंदों पर अगर कंपैरिजन किया जाए ग्लेन मैकग्रा या ब्रेटली की रफ्तार दी, तो इस गेंद के ऊपर अनिल कुंबले या किसी स्पिनर की रफ्तार हमें नज़र आई। तो ये वेरिएशंस का होना भी ज़रूरी है, वेरिएशन जो विविधता होती है आपके पास। ये देखिए कलेक्ट होना ज़रूरी था लेकिन सिंगल मिला, बाई के तौर पर अंपायर का इशारा आ चुका है और इस बाई के तहत टोटल बढ़ता हुआ एक्स्ट्राज के तौर पर 8 रन और विकटें जा चुकी है 4 विकेटों के नुकसान पर 8 रन। 2 ओवर जो अच्छे डालने थे वो अच्छे जा रहे हैं। मैनेंट्री पावर प्ले के टॉस जीतने के बाद अगर आपने फैसला किया हो बतौर गेंदबाजी का, तो ये वाइट बॉल आ चुका है 9 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। मेरे हिसाब से तो अच्छे जा रहे हैं क्योंकि पहले 2 ओवर में 15-16 रन इतने ज़्यादा नहीं लगते मैंडेटरी पावर प्ले के, क्योंकि हर टीम 20+ रन ढूंढना चाहती है पहले 2 ओवर में। ऐसे में काफ़ी रोक के रखा है, 9 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं और ऊपर से अपोजिशंस की 4 विकेटें जा चुकी है, उस वजह से अंतिम क्षणों में जो मारधाड़ करने का उनके पास उनको जो मौका मिलेगा। ये एक और वाइट बॉल 10 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। एक्स्ट्रास के तौर पर अगर हम देखें तो 5 वाइट बॉल आ चुकी है, यानी कि एक एक्स्ट्रा ओवर खेलने का मौका मिलेगा लगभग नाम ओवे टीम को। ये अच्छी गेंद थी, अंपायर ने जांचा परखा और कहा कि ये लीगल गेंद है और उस लीगल गेंद की वजह से ये डॉट गेंद आई, रुकावट टोटल वहीं पर 10 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी गेंद इस मैनेटरी पावर प्ले की, फिर फील्ड पूरी तरह से खुलकर आपके सामने हो सकती है। एक तो जरूर मिला, 11 पर आता हुआ टोटल, क्या मिलेगा दूसरा? और यह खराब कॉलिंग मैं कहूंगा, जहां पर दूसरा रन था ही नहीं, 4 विकेटें पहले से ही जा चुकी है। ऐसे में यह रिक्स उठाना लाजमी नहीं था। एक और विकेट का पतन, बल्लेबाज मंदान के पारीकांत डीजे। तो अपने स्पेल का दूसरा और टीम की तरफ से तीसरा ओवर करेंगे वैभव दलवीज, जिन्होंने पहले ओवर में मैच 6 रन दिए और 3 विकेटें हासिल की। तो टोटल अगर हम देखें 11 रन नेल्सन आंकड़े पर टीम तो देखिए क्या MLA ट्रॉफी विधायक ट्रॉफी होगी कसलखंड में 2020 में, जिसके मुख्य आयोजन करते हैं अनिल जी पाटिल, और मैन ऑफ द सीरीज के तौर पर सुजुकी गिक्सर 180 बाइक मैन ऑफ द सीरीज के तौर पर होगी गिक्सर, क्योंकि गाड़ियां मैंने अभी तक चलाई नहीं है, ना 2 व्हीलर ना 4 व्हीलर ना साइकिल, तो उस वजह से उनके ब्रांड के बारे में मुझे पता ही नहीं। राइट आर्म ओवर द विकेट, ये फुल टॉस, देखिए विकटे जाने के बाद फुल टॉस का भी फायदा नहीं उठाती टीम, ये होता है और इसीलिए विकटों को सुरक्षित रखना बड़े 5 ओवर के मैच में कितना अहम किरदार होता है। आपका एक मैच दिमाग से भी आप जीत सकते हो, हार हुआ मैच भी दिमाग से आप जीत सकते हो, वो दिमागी पैंतरों का इस्तेमाल आपके पास होना चाहिए।
गेंदबाज वैभव तैयार। ये ऑप्शन के काफी बाहर, जानते थे अंपायर की ये गेंद लीगल मानी नहीं जाएगी, नॉट रीचेबल थी, व्हाइट बॉल करार दिया जाएगा। ये चौथी व्हाइट बॉल थी अपने स्पेल की जो डाली गई थी वैभव दलवी द्वारा। 12 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं, तीसरा ओवर चल रहा है। 5 ओवर में एक बात तो मैं जरूर कहना चाहूंगा, इतने ज्यादा रन तो बनते हुए नजर नहीं आ रहे, तो 45 का आंकड़ा होना चाहिए। सुबह के सत्र में एक तो जरूर मिला और इस एक के साथ टोटल बढ़ता हुआ। जो खाता खोला बल्लेबाज वसीम, तो रविंद्र मात्रे यहाँ पर आ चुके हैं, उनका भी हम तहे दिल से इस्तकबाल करना चाहेंगे। आज वो हमारे साथ बतौर कमेंटेटर भूमिका निभाएंगे, एक बेहतरीन कमेंटेटर के तौर पर पिछले 4 सालों से उभर कर आए हैं और ये अच्छे संकेत हैं। काफ़ी अच्छे क्रिकेटर थे, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज, काफ़ी अच्छी गेंदबाजी मैंने कई मरतबा उनकी देखी है। लेकिन ये देखिए बड़ा हिट, और इस हिट की ज़रूरत थी नंबर 6 मिड विकेट के ऊपर से, और 6 के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 19। शुक्रिया, लड़ने की प्रेरणा दी हमें हमारे आदरणीय राजा शिव छत्रपति ने, क्योंकि 100 साल नाम रहने के लिए 100 साल की जिंदगानी जरूरी नहीं होती। एक दिन ऐसा काम करो ताकि आपका नाम 100 सालों तक जिंदा रहे। जो स्वराज्य का निर्माण किया हमारे आदरणीय राजा शिव छत्रपति ने, उस वजह से 400 सालों बाद भी उनका नाम अदब से लिया जाता है। राइट आर्म ओवर द विकेट, वो जो 6 आया था। अब ये देखिए, ये समझ बूझ भरा क्रिकेट है, जो खेला 6 लगाने वाले खिलाड़ी नाम ने, ये अच्छा है। 2 रन आ चुके हैं, ये अच्छा क्रिकेट है, क्योंकि हर गेंद के ऊपर 6 नहीं होता, या हर गेंद 6 के लिए नहीं होती। इसको जाना बल्लेबाज नाम ने, क्योंकि अच्छी गेंद थी, यहाँ पर अगर बड़ा हिट लगाने की कोशिश कर दे तो विकेट का खतरा बहुत ज़्यादा था। ऐसे में खुद को भी सुरक्षित रखा और ये जांचा कि पहली गेंद के ऊपर 6 आया है, इस गेंद को हल्के से स्टीयर किया, गेंद डीप थर्ड मैन के ऊपर फील्ड की गई, महज मिले 2। ये देखिए फुल टॉस थी, एक तो ज़रूर मिलेगा, दत्ता भोयर इस गेंद को फील्ड कर रहे हैं, सिंगल ज़रूर मिला। और इस सिंगल के साथ इस तीसरे ओवर में अगर हम देखें टोटल 22 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 8 के औसत से लगभग जा रही है टीम नाम होवे, और ये अच्छे संकेत हैं। विकटें अगर आपकी 5 जा चुकी हों और 5 विकटों के बाद भी अगर एवरेज अगर आपका देखा जाए जो औसत है 8 के करीब हो, तो ये अच्छी रन संख्या बन सकती है आगे जाके आने वाले 2 ओवर्स में। देखिए ये अच्छी गेंद थी, बैकफुट पर गए थे आप, तीसरे स्टंप पे हैं और अंपायर की तरफ देख रहे हैं। जो डॉट गेंद खेलने की मैंने गलती की थी उसको अंपायर माफ करे, लेकिन अंपायर देखिए काफी बड़ा एक्सपीरियंस है खेले हुए क्रिकेट का, और बतौर अंपायरिंग इनको मैंने कई जगह देखा है। तो ड्रिंक्स अब मैदान पर जाएगा और टोटल 22 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद 5 विकेटों के नुकसान पर खेल रही है नाम ओवे। अब ड्रिंक्स के दौरान हम नितिन डीजे को सुनेंगे, उनके हुनर को जांचेंगे, परखेंगे। नक्कीच, जर आपण पाहिलं एकच वादा राजू दादा, खरं तर या गाण्यानं प्रत्येक मराठी माणसाच्या हृदयात घर केलंय। 3 मिलियन व्ह्यूअर जर आपण पाहिलं यूट्यूबवर जर तुम्ही गेलात तर या गाण्याला जवळजवळ 3 मिलियन व्ह्यूअर्स लाभलेत।
आणि प्रत्येक मराठी माणसाने हे गाणं ऐकलंय. राजकीय मतभेद विसरून खऱ्या अर्थानं ज्यांनी कल्याण परिसरामध्ये मराठी माणसाच्या न्याय हक्कासाठी लढा दिले ते राजू पाटील साहेब. आणि आज आपण बघतोय महाराष्ट्र नवनिर्माण सेने, राजकीय पक्ष कोणताही असो पण महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे एकमेव आमदार म्हणून त्यांची महाराष्ट्रात ओळख झाली आहे. ती मराठी माणसाच्या न्याय हक्कासाठी त्यांनी जो लढा दिला त्या लढ्यामुळेच आणि आज प्रत्येक मराठी माणसाच्या हृदयामध्ये या गाण्यानंच नव्हे तर एकी वादा राजू दादा या राजू पाटील यांनी सुद्धा घर केलं आहे. तो टोटल अगर हम देखें तीन ओवर की समाप्ति के बाद ड्रिंक्स के बाद 22 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है. हाँ, चलते फिरते एटीएम राजू भोयर मोटे गांव, उनकी शुभकामनाएं आ चुकी है. गावदेवी ट्रॉफी गुड ऑर्गेनाइज की गई इस प्रतियोगिता में, शुभकामनाएं उनके द्वारा आ चुकी है. शिवा गोंदिया और उनके सभी साथियों के लिए दीपक भोयर चौथा ओवर लेकर आए हैं अपने स्पेल का पहला, टीम की तरफ से चौथा. 22 रन तीन ओवर की समाप्ति के बाद 5 विकेटों के नुकसान पर राइट आर्म ओवर द विकेट और यह बड़ी विकेट मिली क्योंकि आखिरी 12 गेंदों में इनके विकेट का पाना जरूरी था. बड़े छोटे भाई ने गेंद डाली, बड़े भाई ने उस कैच को लपका लॉन्ग ऑफ की तरफ और एक और छटका मिलता हुआ यहां पर नाम ओवे टीम को 22 पर छठा विकेट. तो फैसल आ चुके हैं नॉन स्ट्राइकर एंड पर. स्ट्राइकर एंड पर अगर हम देखें वसीम, पहली प्रतियोगिता और पहला मैच शायद नाम ओवे टीम खेल रही है. थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही है, ये शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, बैक फुट पर गए थे खिलाड़ी और अगर देखा जाए तो ये दूसरी डॉट गेंद इस ओवर की. टीम का टोटल 22 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. 20 गेंदों का खेल अब तक हो चुका है इस सत्र का, 10 गेंदों का खेल अभी भी बाकी और उतने ज़्यादा रन बनाए नहीं हैं जितने ज़्यादा रनों की आवश्यकता थी अब तक. ये शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, लेंथ को छोटा किया, जानते थे दीपक भोयर की स्टेप आउट करके मारने की कोशिश की जा रही है, ऐसे में लेंथ को छोटी किया और छोटी लेंथ की वजह से ऊपरी किनारा जो लगा था विकेट कीपर गैदर नहीं कर पाए, उस वजह से सिंगल चुराने का मौका मिला 23 पर आता हुआ. टोटल 3 गेंदें अब तक इस ओवर की समाप्त हो चुकी है, 3 गेंदें अब तक इस ओवर की समाप्त हो चुकी है. 23 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है चौथा ओवर प्रोग्रेस पर. ये फिर से एक बार इस गेंद को खेला डीप एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र पर, किरण गरज जब तक इस गेंद को उठाते थ्रो करते और ये खराब थ्रो, 2 रन मिले और इन 2 रनों के साथ टोटल अगर बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं 25 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. राइट आर्म ओवर द विकेट. फिर से एक बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, बैक फुट पर गए और कट करने की कोशिश की थी, पूरी तरह से नाकाम. विकेट कीपर काफी मुश्तैद, उस वजह से डॉट गेंद की समाप्ति होने के कारण रुका हुआ टोटल वहीं पर 25 रन स्कोर कार्ड के ऊपर हम देख रहे हैं इस ओवर की. आखिरी गेंद करेंगे दीपक भोयर और ये देखिए आसान सा कैच छोड़ा, लेना चाहिए था, पकड़ लेना चाहिए था, 2 रन तो जरूर बचाए जाते और विकेट भी मिलता. बिल्कुल विनोद सर, लेकिन ये होता है ज्यादा जोश होश खो देता है. 27 रन 4 ओवर की समाप्ति के बाद अंतिम ओवर्स के लिए अब कौन से गेंदबाज आएंगे क्योंकि 3 विकल्प साफ साफ नजर आ रहे हैं, संजय पंडित हो, दत्ता भोईर हो या फिर चीता, 3 विकल्प इस टीम में मौजूद हैं. 27 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 4 ओवर की समाप्ति के बाद अब देखना यह होगा कौन से विकल्प का इस्तेमाल होता है. तो एक्सपीरियंस को मौका दिया जा चुका है
संजय पंडित के एक्सपीरियंस को मौका दिया जा चुका है। तो भाई के तौर पर ये रन आ चुका है। सुबह का सत्र, कई लोग शुभकामनाएं दे रहे हैं। जहीर पटेल द्वारा भी उनकी जो प्रतियोगिता आ रही है स्टार ओवे की मैन ऑफ द सीरीज के तौर पर फोर व्हीलर, और तो बाइक की जो प्रतियोगिता है, ये अच्छी गेंद थी संजय पंडित की। पूरा एक्सपीरियंस बल्लेबाज को वो फॉलो कर रहे हैं ताकि बड़ा हिट फिर से एक बार बाई के तौर पर सिंगल मिला, बड़ा हिट खेलने का मौका नहीं मिले, क्योंकि इस ओवर में संजय पंडित की योजना यही होगी, चाहे सिंगल्स अपोजिशन निकाले तो अच्छी बात है, लेकिन मैं मुझे बड़े हिट से बचना है। वहीं दूसरी तरफ रणनीति ये होगी बल्लेबाजों की, इस आखिरी ओवर में जितने ज़्यादा रन हम बना सकें वो हमें बनाने हैं, क्योंकि अब तो मारधाड़ वाला ओवर शुरू हो चुका है। और ये खूबसूरत स्ट्रोक, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर को चीरती हुई गेंद ने सीधा रास्ता ना पा, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर, चार रन। मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, साईं बाबा तू हमेशा मेरे साथ। तो टीम का टोटल 33 रन इस ओवर की अब तक, तीन गेंदें समाप्त हो चुकी है, 6 रन इस ओवर में अब तक आ चुके हैं। देखिए काफ़ी अंतराल के बाद ये बाउंड्री हमें देखने का मौका मिला वसीम के बल्ले से, जिन्होंने काफ़ी डॉट गेंदें खेली है अब तक। डॉट गेंदों की परसेंटेज को बढ़ाना ये गेंदबाजों का काम होता है, लेकिन अगर खेले बल्लेबाज, और ये क्लीन बोल्ड स्टेप आउट करके मारने की कोशिश की थी, प्रैक्टिस का अभाव हमें साफ नज़र आ रहा है। तो अगला मैच होगा टिमोड़े बनाम देसाई काका, इन दोनों का टीमों के कप्तानों से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि आपको टॉस के लिए आना है। देसाई काका और टिमोड़े अगला जो मैच होगा, मैच अगर हम देखें यहाँ पर पांचवा ओवर चल रहा है, संजय पंडित ने 4 गेंदों में अब तक 6 रन उनके द्वारा दिए जा चुके हैं, 2 रन तो गलत फील्डिंग के कारण, और जो बाउंड्री गई वहाँ पर भी फील्ड किया जा सकता था अगर 100% एफर्ट होता चीता का। तो एक ज़माना था दिलीप सोरगे का, ऐसी गेंदें उनके हाथों से छूटती नहीं थी, लेकिन उम्र के साथ साथ हम कहते हैं ना कि थोड़ा जोश ठंडा होता हुआ नज़र आ रहा है। ये स्लोअर वन की थी संजय पंडित ने, कैच हो सकती है दत्ता बोयर उसके नीचे, और एक और विकेट का पतन, विकेट हैट्रिक के द्वार पर संजय पंडित। हेलो, तो हैट्रिक के द्वार पर इस इनिंग की आखिरी गेंद, विकेट जा चुकी है 8, 8 विकेट जा चुकी है, टीम का टोटल वहीं पर रुका हुआ 33। सुपर ओवर का नियम है, ये गेंद हवा में कैच होने की संभावना, लेकिन देखिए वो जो खिलाड़ी छोटे कद के जो दौड़ रहे हैं मानो बगीचे में चहलकदमी करने के लिए आए हो,
ये आउट नंबर तीसरा रन दौड़ते हुए रन आउट के तौर पर विकेट मिला, दो रन मिले, 35 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है, 36 की जरूरत, टाई यानी कि स्कोर इज लेवल तो सुपर ओवर। कल हार और अपोजिशंस के बीच हमने सुपर ओवर देखा था और आखिरी गेंद तक वो सुपर ओवर भी चला था, तो मैच में मज़ा आया था कि आज के दिन की शुरुआत सुपर ओवर से होगी या फिर ये जो आसान सा लक्ष्य है स्वरूपा जो एक स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप के नाम से जानी जाती है अपने विभाग में, आसान सा लक्ष्य क्योंकि किंजल में हमने उनकी बल्लेबाजी का जौहर देखा, आसानी के साथ उन्होंने जीवदानी बामन डोंगरी जैसी बड़ी टीम के सामने 70 रन बनाए थे, कई बड़ी प्रतियोगिता में इन्होंने रन बनाए हैं, ऐसे में 36 रन जो बनाने हैं, क्या गेंदबाज जिस तरह सुबह के नमी का फ़ायदा उठाया स्वरूप पोंजे के गेंदबाजों ने, क्या उसी तरह फ़ायदा उठाएंगे नाम ओवे के गेंदबाज, इसका आंखों देखाल सुनाएंगे। हमारे साथ अभी अभी जो जुड़े हैं रविंद्र म्हात्रे, एक बेहतरीन कॉमेंट्रेटर, 3-4 सालों से इतना ज़्यादा उभर कर आया है इनका टैलेंट, तो वो कह रहे हैं कि शायद ये मैच उनकी एक ख्वाहिश है कि सुबह जिन्होंने जल्दी हाजिरी लगाई थी हमारे भोपर के विनोद पाटिल सर, उनके द्वारा इस दूसरे सत्र का ब्यौरा हो। तो मैं लेता हूं आपसे अलविदा, अगले मैच में जरूर मिलूंगा, लेकिन इस वक्त माइक्रोफोन पर होंगे भोपर के हमारे विनोद पाटिल सर। हॅलो हॅलो माईक चेक, हॅलो हॅलो माईक चेक। टेंबोडे संघाचा संघनायक आणि देसाई काका, देसाई संघाचा संघनायक, आपण कृपया त्वरित नाणेफेकीसाठी यायचं आहे। दोन्ही संघाला पहिला कॉल पहिला पुकार असेल, कृपया आपण त्वरित नाणेफेकीसाठी यायचं आहे। धन्यवाद प्रवीणजी दुगाडे, आपण ऐकत होता रायगडचा एक बुलंद आवाज। गेली 17 वर्ष या समालोचकाने क्रीडा रसिकांच्या मनावरती अधिराज्य गाजवलेले आहे, आपल्या अभ्यासू आणि सुस्पष्ट समालोचनाने त्या नेहमीच सर्वांना प्रभावित केलेलं आहे। तर पहिले सत्र त्यांना आपण ऐकलं, तर द्वितीय सत्र या ठिकाणी सुरू होत आहे, त्याआधी आपण गणरायाला वंदन करूया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नम कुरुमेव देव सर्व कार्यशु सर्वदा, गणरायाला वंदन करून महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत राजे छत्रपती शिवाजी महाराजांना स्मरून जमलेल्या माझ्या तमाम लाडके क्रीडसेकांचं क्रिकेटच्या या रोमांचकारी अद्भुत आणि थरार खेळामध्ये हार्दिक हार्दिक सहर्ष स्वागत आहे। स्पर्धा आपण पाहतायत आपल्या सर्वांची लाडकी स्पर्धा, आवडती स्पर्धा, रायगड जिल्ह्यातील एक प्रतिष्ठेची स्पर्धा म्हणून ज्या स्पर्धेकडे पाहिलं जातं ती स्पर्धा म्हणजे गावदेवी क्रिकेट संघ घोट आयोजित गावदेवी चषक 2019। अत्यंत सुंदर सुबक देखणं विलोभनीय लक्षवेधी मनमोहक शिस्तबद्ध आणि पारदर्शक असं आयोजन, याची देही याची डोळा क्रिकेटचा हा एक दैद्यप्यमान असा सोहळा। तर मैदानावरती आज आपण पाहत आहे तर ही विद्यमान लढत आज स्पर्धे ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। संरक्षण करताना आपण पाहिलेले एक उत्तम उदाहरण द्यायचं झालं तर जेव्हा 2014 मध्ये बांगलादेशने भारताला 105 धावांवर गुंडाळलं होतं, सर्वजण म्हणत होते की हा सामना बांगलादेश सहजतेने जिंकणार, मात्र 58 धावसंख्येवरती त्यांचा डाव भारताने आटोपला आणि तो सामना भारताने जिंकून एक मोठा भीम पराक्रम। त्यांच्या फलंदाजांनी या मैदानावरती जे गमावलंय त्यांच्या गोलंदाजांना ते कमावून द्यावं लागेल, मात्र पोहिजे संघाचं कौतुक करावं लागेल, त्यांनी नाणेफेक जिंकल्यानंतर क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय संघनायकाने घेतला होता, तो निर्णय त्यांच्या गोलंदाज
35 धावांवर रोखले आहे. 36 धावा करायचे आहेत आणि हे लक्ष डोळ्यासमोर ठेवून सलामीची जोडी येते सुनील मते आणि दुसऱ्या बाजूला दीपक भोईर. तर गोलंदाजी मार्ग गोलंदाज सज्ज होतोय तो नाम त्याच्या नावानेच नक्कीच हा संघ ओळखला जातो तोच नाम यावेळेस येतोय कॉमेंट्री बॉक्स एंड करणं. स्ट्राईकला सुनील मते पहिला चेंडू पॉवर प्ले सुरू आहे. क्षेत्ररक्षण तुम्ही पाहू शकाल 30 यार्डमध्ये शॉर्ट थर्ड मॅन शॉर्ट फायनल लेग शॉर्ट बॅकवर्ड पॉईंट शॉर्ट कव्हर पॉईंट शॉर्ट कव्हर एक मिड ऑफ आणि एक बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग. यावेळेस मात्र दिशेपासून भरकटत आहेत. पहिला चेंडू या ठिकाणी आपण पाहत आहेत लेगस्टंपच्या बाहेर. पंच रमेश म्हात्रे उर्फ मेक्या यांचा वाईटचा इशारा येतोय. ज्या प्रकारे सुरुवात झाली होती ओवेच्या डावाची तशाच प्रकारची सुरुवात मात्र पोएंजेची होते अवांदरच्या रूपाने. एक धाव येते. खरं तर पहिलाच पहिली स्पर्धा खेळतात असे ट्वेल्थ मॅन त्यांची माहिती देत आहेत कारण पाऊस परतीचा भरपूर उशिरापर्यंत या ठिकाणी थांबला. इथे मात्र स्कूप करतायत फायलिकच्या वरून काढल्या चेंडूला. चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर जातोय. एक रचनात्मक आणि एक पूर्व प्लॅनिंग करून खेळलेला हा स्ट्रोक. 4 धावा. क्या बात आहे नितीन डीजे सलग 3र्या दिवसामध्ये अत्यंत जबरदस्त क्वालिटी क्लॅरिटी. ऑन साइड ला फ्लिक ऑफ द रिस्ट स्क्वेअर लेग निवडलाय. व्हॉट अ फॅन्टॅस्टिक स्ट्रोक. सलग दुसरा चौका सुनील मतेच्या बॅट मधून. जबरदस्त सुरुवात. तिन्ही चेंडू आपण पाहिले तर लेगस्टंपच्या दिशेने. पहिला चेंडू वाईड होता. पुन्हा एकदा नाम. यावेळेस मात्र मिडस्टंपवर ऑफ साईडला ड्राईव्ह करतायत. कव्हरच्या दिशेने चेंडू जातोय. पहिला चेंडू आपण पाहिला होता वाईड होता. त्यानंतर स्कूप केलं प्रवीणजी. पल्लू स्कूप म्हणून ज्याला संबोधलं जातं किंवा दिल स्कूप. खरं तर झिम्बाब्वेच्या डग्लस मर्लेरने हा स्ट्रोक आणला होता आणि सौरव गांगुलीच्या अगेन्स्ट भारतीय संघाविरुद्ध त्याने अशा प्रकारचे स्कूपचे फटके खेळून तो सामना जिंकून देखील दिला होता. मात्र या फटक्यावरती त्यानंतर तिलकरत्न दिलशानने प्रभुत्व मिळवलं आणि त्यानंतर हा फटका प्रत्येकजण म्हणू लागला की तिलकरत्न दिलशानने आणला. मात्र काही जे आत्ताचे यंगस्टर आहेत किंवा आत्ताची जी पिढी आहे त्यांना माहिती नाही की हा फटका डग्लस मर्लियरने आणला होता या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये. ओर द विकेट पुन्हा एकदा नाम. हा चेंडू सुरेख होता. यावेळेस मात्र यष्टी रक्षकाकडनं चूक होते. चेंडू मात्र त्यांच्या हाताला ब्रश करून मागे जातोय. फायल एकतर क्षेत्ररक्षक जातो. यावेळेस पंचांचा इशारा तो बाय. नियम क्रमांक 26 बाय आणि लेग बाय हा नियम आहे. ऑक्टोबर 2017 नियमामध्ये परिवर्तन करण्यात आले. त्यांचे जे क्रम आहे ते बदलण्यात आले. जो नियम क्रमांक 22 वाईटचा होता जो नियम क्रमांक 23 बाय लेग बायचा होता त्यात परिवर्तन करण्यात आले आणि आता मात्र हा 26वा नियम तुम्ही पाहिला. शॉर्ट ऑफ लेन चेंडू होता. मिस टायमिंग झाले झेलची शक्यता आहे का नाही. चेंडू जातोय नो मॅन्स लँडमध्ये आणि दरम्यान मात्र 2 धावा पूर्ण करतायत आणि 2 धावेने संघाची धावसंख्या धावपलकावरती पुढे सरकते ती म्हणजे 13. आमच्यासोबत गुणसंख्या लेखक आहेत प्रणय पाटील आहेत पीपी. त्यांचं देखील आपण स्वागत करूया. फार मोठी भूमिका क्रिकेटमध्ये गुणसंख्या लेखकाची राहिलेली आहे. ज्या प्रकारे पंचांची भूमिका एक वेळ समालोचक नसतील प्रवीणजी तरी चालेल मात्र पंच मैदानावरती असणं फार गरजेचं आहे. चेंडू यावेळेस मात्र मिडॉनच्या वरून काढतायत. टायमिंग तितकंच चांगलं झालं नाही मात्र चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर निघून जातोय 4 धावांसाठी. तर धावसंख्या धावपलकावर तुम्ही पाहताय 17. खरं तर 36 धावा करायच्या होत्या मात्र या ठिकाणी आपण पाहिल्या तर या धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना पहिल्या षटका अखेरीस 17 धावा एक आश्वासक सुरुवात या ठिकाणी दिलेली आहे. आणि आपण प्रवीणजी असं म्हणतो की गोलंदाज डोक्यावर बसण्याआधी त्याच्यावरती आक्रमण करणं फार गरजेचं असतं आणि हीच रणनीती घेऊन हे 2 फलंदाज मैदानावरती उतरलेले आहेत. तर पुढची लढत आहे टेंभोडे वर्सेस जय वाघेश्वर क्रिकेट संघ देसाई. या दोन्ही संघाच्या संघनायकाला आम्ही विनंती करतोय लवकरात लवकर या कारण द्वितीय सत्र या ठिकाणी सुरू झालेलं आहे.
नाणेफेकीसाठी या, जास्त विलंब करू नका, कारण आज पहिला चेंडू 10:28 या ठिकाणी पडलेला आहे. खरं तर सकाळी 9:30 सामना सुरू व्हायला हवा होता, मात्र या ठिकाणी काही संघ जे सकाळी जे दोन संघ खेळणार होते त्यातील एक संघ पोंजे संघ वेळेवर या ठिकाणी पोहोचला होता, मात्र ओवे संघाला या ठिकाणी पोहोचण्यात थोडासा विलंब झाला आणि त्यामुळे सामना थोडासा उशिराने सुरू झाला आहे. एकूण 7 सामने कव्हर करायचे आहेत. एक संघ आपल्याला पुढे काढायचं आहे सुपर फोरमध्ये. पहिल्या दिवसामध्ये इनामपुरी आणि स्टार ओवे. ओवे म्हटलं की झहीरभाई पटेल हे चित्र डोळ्यासमोर उभं राहतं. तर सुखदेव काकांना विनंती करेन, लेजंड क्रिकेटर, ठाणे रायगड जिल्ह्याची आनबान शान. खरं तर या व्यक्तीबद्दल जेवढं बोलावं तेवढं कमी आहे. जिगरबाज युवा हे गाणं आलं, मात्र हे जिगरबाज युवाच आहेत. हृदयावरती इतकी मोठी सर्जरी झाली आहे आणि अशा परिस्थितीमध्ये खरं तर वर्षभर तरी निदान आराम करायला हवा. मात्र काका ज्यांच्या श्वासात नसामध्ये क्रिकेट भिंडलेलं आहे ते कसे क्रिकेटपासून दूर राहतील. तर काकांना विनंती करतो आपण या, आपलं स्वागत आहे या स्पर्धेच्या माध्यमातून. हा चेंडू बॅकपुटं जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न, मात्र चेंडू थोडासा खाली राहिला. जेव्हा प्रवीणजी कटचे फटके खेळायचे असतात तेव्हा चेंडूमध्ये उसळी असणं फार गरजेचं असतं, मात्र या ठिकाणी चेंडू थोडासा खाली राहिला, बॅटवर आला नाही. काकांचं स्वागत आहे. गावदेवी चषक 2019 अप्रतिम असं आयोजन. हा चेंडू ऑन साईडला मिड विकेटच्या दिशेने, ए वन क्वालिटीचा ब्रँडेड षटकार. तेवीस आज ना छोडूंगा तुझे डीजे मास्टर, या ठिकाणी जणू काय या दीपक आणि सुनीलच्या मनातलं सांगतायत की काय या ओवे संघाला. आणि या ठिकाणी 23 धावा झाल्यात, म्हणजे अजूनही या ठिकाणी पाहिलं तर 13 धावांची गरज आहे विजयाच्या दिशेने. मार्गक्रमण करत असताना हा पोंजे संघ, स्वरूपा 11 पोंजे संघ. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज या ठिकाणी साजिद आहेत. हा चेंडू लॉंग ऑफच्या दिशेने खेळता क्षेत्ररक्षक, त्याच्या डोक्यावरनं हा चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर, आणखीन एक षटकार. यावेळेस मात्र वाईड लॉंग ऑन मिड विकेटच्या मधून हा चेंडू निघून जातो सीमारेषेच्या बाहेर. दीपक भोईरचा फॉर्म यंदाच्या हंगामात उल्लेखनीय असा राहिलेला आहे. तर मी यापुढील सामन्याची नाणेफेक करण्यासाठी सन्माननीय DN भाई यांना विनंती करणं आपल्या शुभ असते नाणेफेक करायचे. सुखदेव काका या ठिकाणी आलेले आहेत, काकांचं स्वागत आहे. तर टेंबोडे संघ बघूया, टेंबोडे संघ ऑलराऊंडर टेंबोडे संघ आहे की कोणता संघ आहे, अजून नाव या संघाचं आमच्यापर्यंत पोहोचलेलं नाही आहे, मात्र हा टेंबोडे गावातली संघ आहे एवढं मात्र नक्की. हा चेंडू सुरेख होता, कमबॅक करत असताना अपील करतायत हलकस या ठिकाणी, मात्र कॉड बियाइंडचं अपील. प्रवीणजी आम्ही नेहमीच म्हणत असतो की तुम्हाला प्रमुख पंचांकडे अपील करायला हवं, कारण कॉड बियाइंडचं अपील तुम्ही स्क्वेअर लीगच्या पंचांकडे करू शकत नाही. मात्र जेव्हा प्रमुख पंचांच्या मनामध्ये काही शंका असतील, काही प्रश्न असतील, किंवा त्यांना या अपीलबद्दल काही त्यांच्या मनामध्ये संभ्रम असेल, तेव्हा ते स्क्वेअर लीगच्या पंचांशी चर्चा करू शकतील. मात्र या ठिकाणी धावसंख्या धावपळ करते आहे. यावे चेंडू स्क्वेअर लेगच्या दिशेने आणि हा विजयी चौकार येतोय. पोंजे संघाने विजयाचं खातं उघडलेलं आहे. गावदेवी चषक 2019 त्यांचं हार्दिक अभिनंदन. तर ओवे संघाला आम्ही पुढच्या स्पर्धेसाठी शुभेच्छा देतो. खरं तर उशिरा पाऊस थांबला त्यामुळे बऱ्याच संघांना सरावासाठी मैदान उपलब्ध राहू शकलं नाही. ओवे संघाने देखील या ठिकाणी पहिलीच ही टुर्नामेंट